देखिए मिस्टर रुद्र, ये क्वेश्चन कैसे करता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5, फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा। यहां से समझिए, कोई ट्राइंगल होगा यार, मुझे पता नहीं क्या ट्राइंगल है, ऐसा कोई ट्राइंगल होगा, ये उसका थीटा होगा और ये उसका नाम होगा ए बी सी और ये राइट ट्राइंगल होगा। यहाँ तो कोई इशू होगा, कोई प्रॉब्लम? नहीं, ये जो पर्टिकुलर ट्राइंगल हम लिया, इसका जो कॉस, इसका ये जो थीटा, थीटा का जो कॉस है वो है 4/5। तो कहने का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 4 है ये 5 है। मिस्टर शुभांग, ये कितना होगा, ए बी कितना होगा? शुभांग हमारे साथ, मिस्टर उधर कोई डाउट है? बट आप ये बताओ, इसका साइन और टैन कितना होगा? मिस्टर उधर आप बताइए। थ्री अपॉन फोर साइन साइन थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, और टैन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। वही समझ नहीं आया, ये सारे निकल गए, तो सीकर थीटा इसका रेसिप्रोकल 5/4, कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल 5/3, कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल 4/3। वही समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन आ रही है बहुत। समझा सुभांग का कंफ्यूजन है? नो सर। ओके, तो शुभांग बताइए, सेकंड क्वेश्चन में साइन थीटा दिया हुआ है 1/√2, इसका मतलब क्या हुआ? साइन थीटा 1/√2 दिया मतलब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता, तो फिर परपेंडिकुलर 1 होगा और हाइपोटेन्यूज 2 होगा। तो बेस कितना होगा? 1। मिस्टर उधर कोई डाउट है? Yes. तो कॉस थीटा कितना होगा उधर? चलो, उधर समझ गया, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रही है। नहीं, बहुत कंफ्यूजन है, वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, मुझे कंफ्यूजन है तो बताओ। बेटा समझ आ? तो हाँ, ये जो भी क्वेश्चन है ना, जैसे टैन थीटा आपको दिया हुआ है, टैन थीटा दिया हुआ है, टैन थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा दिया हुआ है, तो जो मेरी बात है ध्यान से समझ लो, थोड़ी देर बाद ना आप 2-3 क्वेश्चन करोगे जिसमें ट्राइंगल बनाओगे, बट यहाँ तक आओगे फिर ट्राइंगल बनाना बंद कर दोगे, ऐसे मत करना, मेरी बात नहीं समझ आ रही? हर क्वेश्चन में क्या बनाना है बेटा शिवान? ट्राइंगल। बेटा ट्राइंगल बनाना बहुत जरूरी है, उसके बिना क्वेश्चन मत करना, क्योंकि आप जैसे नौजवान इंटेलिजेंट लड़के क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन तो बनाते हैं ट्राइंगल, फिर बनाना छोड़ देते हैं, वो मत करना, बेवकूफी मत करना, हर क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्राइंगल बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन शुरू कीजिए। भैया कोई तकलीफ इतना नहीं? नहीं, शाबाश। तो ये देखो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, ये सारे ऐसे ही क्वेश्चन हैं। मेरी बात समझ आ रही बेटा? नाइन्थ तक करो, और यहां तक करो, ये 3, 4, 3, 4, 5, 6 7, 8 का आपको आंसर भी दिया, तो आंसर यही आना चाहिए। बात समझ आई? समझ आ रहा मिस्टर, उधर समझ आ गया? हाँ सर। शुरू कर दो।
स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर थ्री फिर से देखिए, टैन थीटा इक्वल टू 1/√2, 1/√2 मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√2, और जो हाइपोटेन्यूज है वो मेरा रूट थ्री हो जाएगा। तो कोसेक थीटा जो है वो मेरा रूट थ्री आ गया, सेक थीटा रूट थ्री बाय रूट टू आ गया, कॉट थीटा रूट टू आ गया। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, ये जो मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा है ये थ्री है, सीकेंट स्क्वायर थीटा जो मैंने डालना है वो है मेरा 3/2, और कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा जो मैंने डालना है वो आ जाएगा मेरा 2। इसका स्क्वायर करो मैं, रूट थ्री का स्क्वायर 3, रूट थ्री बाय रूट टू का स्क्वायर 3/2, और रूट टू का स्क्वायर 2। तो यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं? नहीं। अब सिर्फ मुझे वैल्यू निकालनी है, कोसेक स्क्वायर थीटा की 3 डाल दी, sec स्क्वायर थीटा की 3/2 डाल दी, कोसेक स्क्वायर थीटा की 3 डाल दी, और cot स्क्वायर थीटा की मैंने 2 डाल दी। ये मैंने एलसीएम किया 3/2/5, 3/10 मेरा आंसर, यहाँ मेरा ये आंसर है। सर कोई डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 4, tan थीटा 3/4 है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज कितना होगा जमा? हाइपोटेन्यूज रुद्र कितना होगा? 5। ओके, तो 1 माइनस cos थीटा, ये देखिए cos थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और प्लस 1 प्लस cos थीटा 4/5। तो ये क्या होगा 1/5, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 9/5, 1/5 इंटू 5/9, तो मेरा सॉरी जो मेरा फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा 1/9। उधर कोई डाउट है? नहीं। आपका आंसर ठीक है? हाँ। शिवांग कर रहा ठीक है? जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो फोर्थ का भाई है, भाई है, इसको स्किप करिए। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? फिफ्थ में कोई डाउट तो नहीं? नहीं कोई डाउट। इसमें देख रहे हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है। कॉट थीटा 1/√3, तो कॉट थीटा 1/√3 है, तो मेरा जो टैन थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? रूट थ्री के। तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, तो मेरा जो हाइपोटेन्यूज है वो किसके इक्वल होगा? रूट थ्री स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट, 3 प्लस 1, 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 2। तो ये आ जाएगा मेरा 2। ओके, तो अब मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है, ये जो मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे तो मेरा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो तो ऐसा कैसा मेरे पास लिखा हुआ। साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, रूट 3। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होगा 3/4 के। ये मेरी वैल्यू आ गई 3/4, और नीचे आ गई 2 - 3/4। मैं सर उधर अब ठीक कर रहा हूं। इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी? 8 - 3 5/4 के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? 4/5। फाइनल आंसर आ जाएगा 3/5। ये आ गया मेरा 3/5। सर कोई डाउट है? मैं सर उधर कोई डाउट नहीं। मिस्टर जवान को डाउट? नो सर। मुझे प्लीज थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, नहीं तो गड़बड़ करेंगे आप बार बार। ओके, तो सिक्स हो गया, सेवन भी इसी तरह आप कर सकते हैं, साइन कॉट वगैरह की वैल्यू डाल के यहाँ निकाल सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे? नाइन्थ क्वेश्चन में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3, 1/3, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 2/2। उधर ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? ठीक। साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज,
टैन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन दिस। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? वो तो हमें दिया ही हुआ है 1/3। अगर आप देख रहे हैं जो भी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है मैं उसको पहले सेपरेटली लिख देता हूँ, तो मेरा साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 4 × 2/9। टैन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 4 × 2। और कॉस थीटा तो ऐसे ही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है वो मेरा इक्वल है 8/9 के, और टैन स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल है 8 के। अब मुझे सिर्फ वैल्यूज डालनी है, तो वैल्यूज मैं डाल देता हूँ। 6 × sin² θ 8/9 प्लस टैन स्क्वायर थीटा 8/4 cos θ 1/3। सर यहां तक ठीक है जी? आप इसको जब सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व करते हैं, सो 48/9 आ गया प्लस 8 आ गया, ये 4/3 आ गया, ये पूरा आपने तामझाम कैलकुलेट किया, तो फाइनल आंसर आपका 10 आ जाएगा। सुमंत्र फाइनल आंसर आया था नहीं यार? जी बाबा जी। मिस्टर रुद्र आपका? हाँ सर। ओके, 10th क्वेश्चन दोनों से हो गया? हाँ सर। कैसे करेंगे बोलिए। शुभांग बोली? नहीं मेरे से नहीं हो रहा। रुद्र आपने कैसे किया? So, root of 3 tan theta equals 3 sin theta. Root 3 into sin theta upon cos theta equals 3 sin theta. Cos theta equals root 3 upon 3. शिवांग यहाँ तो समझ आया? उधर मैंने ठीक किया अभी तक? देखो यार ये साइन थीटा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसको मैं ये बाजू ले आता हूँ, लेफ्ट साइड में ले आता हूँ, तो लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ तो साइन थीटा और साइन थीटा को मैं कॉमन ले सकता हूँ, और अंदर क्या रह जाएगा? रूट 3 अपॉन कॉस थीटा माइनस इसमें तो कॉमन रह जाएगा वो 3 रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ शिवांग? क्या दो वैल्यूज आई इसको देख के? क्या वैल्यूज आई? साइन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड उधर आपको समझ आ रहा है? तो यहाँ जो वैल्यू आती है वो आती है थीटा इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू तो ये आती है। भाई समझ नहीं आ रहा बात? समझ आ रहा। अब ये सारा तामझाम आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की। शिवांग समझ आ? समझ आ रहा है। अब देखो यार कॉस थीटा की जो वैल्यू है, कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो है 1/√3, तो क्या आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं समझ आया? जैसे अभी आपने किया था सारा तामझाम, तो मेरा cos थीटा जो है वो क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मुझे परपेंडिकुलर निकालना होगा। क्या कंफ्यूजन आ रही है क्या? नहीं कंफ्यूजन नहीं है। तो जो परपेंडिकुलर है वो निकल जाएगा रूट टू। क्यों? क्योंकि 1² + √2² वुड बी इक्वल टू √3, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नहीं सर नहीं समझ में आया। सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आराम से समझिए।
जरूरत पड़े तो दोबारा फिर देखिए, यहां पर एक तो वैल्यू आती है थीटा की 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री आता है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां पर आती है साइन स्क्वायर 0 माइनस कॉस स्क्वायर 0, ये वैल्यू आती है -1। नहीं समझ में आया सर? तो एक जो आपका आंसर है वो आना चाहिए -1, दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन। और सेकंड सॉल्यूशन जो है वो आना चाहिए आपका यहां से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखिए ये साइन थीटा आपका √2/√3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2/3 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा 1/3 और ये आंसर आएगा 1/3। सर नहीं समझ रहा? यहाँ गड़बड़ क्या हुई है ये देख लीजिए, बुक वाले ने गड़बड़ क्या की है, उसने सिर्फ एक सॉल्यूशन लिखा है 1/3 ये वाला, उसने दूसरा सॉल्यूशन इसलिए नहीं लिखा, जो उसने गड़बड़ की है वो ये की है, उसने ये वाला साइन थीटा और ये वाला साइन थीटा कैंसिल कर दिया। सर समझ नहीं आया? तो ये साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल नहीं करना, इससे एक थीटा आपका गुम हो जाएगा जो कि 0 डिग्री है। दशरथ कंफ्यूज हो रहे हो? तो ये ट्रिग्नोमेट्री में जब आप कैंसिल कर देते हैं तो एक थीटा गायब हो जाता है, ये कल भी डिस्कस हुआ था अगर आपको याद हो। ओके 12th क्वेश्चन, शिवान कैसे है? शिवान किया था क्वेश्चन? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? रुद्र आपसे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है शिवान? साइन थीटा। क्या प्रॉब्लम याद है? ठीक है जी, डाउट तो नहीं है? नहीं। आपको निकालना क्या है? cot थीटा। cot थीटा क्या होता है? सबको cos थीटा से डिवाइड कर दो, इसको cos थीटा से कर दो, इसको cos थीटा से कर दो, इसको cos थीटा से कर दो। I'm sorry। हाँ ठीक है, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos से कर दो। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ निकाल रहा हूँ tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू √2 tan थीटा। नहीं समझ आ रहा भाई? समझ आ रहा। समझ आ रहा है तो इसके बाद क्या करेंगे? बोलो भाई। जी समझ आ रहा? समझ आ रहा, फिर उसका कॉमन ले। फिर समझ आ रहा है? सो गए समझा भाई, ये लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना पड़ेगा अपना लेवल। अब टैन थीटा ये आ गया तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा शिवा? जी भाई समझ नहीं आ रहा। एक काम करो, अपने पे एहसान करो, क्वेश्चन 10th और 12th ये दोनों क्वेश्चन आपको दोबारा करने चाहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन था, बाकी तो ठीक है सिंपल क्वेश्चन है, बट ये दोनों आपको दोबारा करने चाहिए। उधर कोई डाउट है? नहीं सर। राइट।